वो जिसके नाम पर दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसके जिक्र पर शाह सुलेमान ने गदाई की। दिले यहिया में रह गए अरमा जिसकी जियारत के, लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान रहमत के, जो बनकर रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न की नए रंग में पाया, नदानम आंगुले खंदा चिरंगो बूदारत के मुर्गे हर चमन आरजुए उदारत। हर एक यही आरजू रख रहा है, हर एक की तमन्ना यही है कि बस वो आने वाले हैं। नबी इंतजार में खड़े हैं, यार हमें तो कोई इंतजार नहीं करना पड़ा, सोए थे मुकद्दर जाग उठा। जरा माजी के लोगों की कहानियां देखो, मुंतजर बैठे हैं, मुंतजर बैठे हैं। हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह के घर की तामीर करने के बाद हाथ फैला लेते हैं, रब्बाना वब आसफीहिम रसूला, अल्लाह तेरे घर की तामीर की दुआ मांगता, अब उस रसूल को भेज भी दे। इंतजार कर करके आंखें बूढ़ी हो गई हैं, कब वो आएगा। हजरत ईसा ने कहा मुबश्शरम बिरसूली याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, लोगों मैं नाम भी बता देता हूं, मेरे बाद अब वही आएगा, सुन लो उसका नाम अहमद होगा। उसका नाम क्या होगा? अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, उसका नाम अहमद होगा। ये अपने हवारियों को बता रहे हैं, 12 हवारी बैठे हैं जिनके खास लोग हैं। एक हवारी ने कहा हजरत जिसके आप भी कसीदे पढ़ रहे हैं क्या वो आपसे भी अफजल होगा? हैरत तो हुई ना कि मेरा नबी जिसके कसीदे पढ़े तो वो तो फिर कोई अफजल ही होगा। हर मुरीद सोचता है मेरे पीर से अफजल कोई नहीं, हर शागिर्द सोचता है मेरे उस्ताद से अफजल कोई नहीं, हर बेटा कहता है मेरे बाप जैसा कोई नहीं, हर जो है वो कारकुन कहता है मेरे लीडर जैसा कोई नहीं, और हर उम्मती कहता है मेरा नबी तो फिर मेरा नबी है। वो तो बदबख्त है जो नबी भी मानता है और ऐब भी निकालता है। महबूबा ते नुकता चीनी जेड़ा करन तो बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानिए उसनू वो झूठे प्यार जताउंदा, सानू दस्या इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ प्या फरमाउंदा, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं, ऐब हो भी तो नजर, ऐब हो भी तो नजर, और जहां हो ही ना। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले ऐबिन, यह हदीस तकरीरी है, हसन बिन साबित हुजूर के सामने पढ़ते हैं, आपको हर ऐब से पाक बनाया गया। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ, लगता है आपके रब ने आपसे पूछ के आपको बनाया है। अल्लाह अकबर, कैसा जमाल है, कैसा हुस्न है। तो हर मुक्तदी का ख्याल है कि मेरा इमाम आला, हर शागिर्द कहता है मेरा उस्ताद आला, हर उम्मती सोचता है मेरा नबी तो फिर मेरा नबी। तो हजरत ईसा के हवारी ने कहा हजरत जिसके कसीदे आप भी पढ़ रहे हैं क्या वो आपसे भी अफसल होगा? तो सुनो हजरत ईसा ने क्या जवाब में, आपको ठंड पड़ जाएगी, कोई 26 साल से आ रहा है, कोई 20 साल से आ रहा है, कोई 10 साल से आ रहा है, कोई 5 साल से आ रहा है, सख्त रास्ते काट कर भी आप आए हैं, और जो है वो 3-3 फुट पानी गुजर के भी आप यहां जुमा पढ़ने आए हैं, आपको सारे वक्त याद होंगे, लेकिन ये एक जुमला आपकी सारी थकन उतार देगा। सुनो सुनो हजरत ईसा ने क्या कहा, कहा हजरत जिसके कसीदे आप भी पढ़ते हैं क्या वो आपसे भी अफजल होगा? तो हजरत ईसा बोले अफजल होने की बात करते हो, वो तो इतनी अजमतों का हामिल है, अगर उसके नालैन के तस्मे खोलने की सआदत इब्ने मरियम को मिल जाए तो ये भी मुकद्दर की बात है, ये भी बख्त की बात है कि उनके नालैन के तस्मे खोलने की सआदत नसीब हो जाए। वो इतना अजीम नबी है, मुझे बताओ इस नबी का जिक्र ना करूं, गली गली चरावा ना करूं, गली गली उनके तस्करों की खुशबू ना बखेरूं, गली गली उनके नारे ना लगाऊं, उनके नाम की माला ना जपूं, उनके तस्करों की खुशबू से मस्त ना हो जाऊं, कायनात के अंदर जितना चरागा है आमिना के लाल के कदमों का सदका है, सारी रोशनियां उनके कदमों के सदके हैं, अगर वो ना आते तो आज अंधेरा ही होता। इकबाल से भी पूछ लिए, वो कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है।